मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोसाइंस अरेना। तो आज के इस वीडियो में हम प्लस टू बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर को मेजरली तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है रिप्रोडक्शन और तीसरा है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इन तीन टॉपिक के बारे में आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। इनमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जो सब डिवाइडेड किए गए हैं, जैसे कि लाइफ स्पैन क्या होता है ये तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके स्टेजेस भी पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन। दूसरा रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन होता क्या है ये, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है ये पढ़ेंगे। अब अगला है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था रिप्रोडक्शन मेजरली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी सब डिवाइड किया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स हैं, तीन इवेंट्स में मेजरली डिवाइड किए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊंगी आपको, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो कि आज की वीडियो है, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी लाइफ स्पैन क्या होता है, इसके स्टेजेस, दूसरा रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन और क्यों जरूरी है ये, तीसरा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये दोनों टॉपिक अपने आप में काफी बड़े टॉपिक हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट ए में मैं फिनिश कर दूंगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे पार्ट बी में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे और इवेंट्स पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो ये है समरी पूरे चैप्टर वन की। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक साइंटिस्ट का नाम बताती हूँ, जिनका एनसीईआरटी बुक में यूनिट फर्स्ट से पहले ही नाम दिया गया है, जिनका नाम है पंचम महेश्वरी। पंचम महेश्वरी, इनका जन्म 1904 में हुआ था और ये ग्रेट बॉटनिस्ट है। और जब भी इंडिया में किसी भी बॉटनिस्ट का नाम लिया जाता है तो इनका नाम जरूर आता है। इनका वर्क एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर में सबसे ज्यादा रहा है। एक सेंटेंस है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, यानी कि जीवन ही जीवन से आया है। अब इस सेंटेंस से आप क्या मतलब समझ रहे हैं, अभी आपको मे बी समझ में ना आए, लेकिन इस वीडियो के लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, कि जीवन ही जीवन से आया है। अब एनसीईआरटी बुक का पहला टर्म है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन काफी छोटा टर्म है और इजी भी है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द डेथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन क्या है, बेसिकली बर्थ से लेके डेथ तक का जो पीरियड होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन जो होता है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, लेकिन जो लाइफ स्पैन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो उसके साइज से बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे एक टॉर्टोइज है, उसका जो लाइफ स्पैन है वो 200 ईयर है, यानी कि वो 200 साल तक जी सकता है। लेकिन जो एलिफेंट है टॉर्टोइस से काफी लंबा है साइज में, पर उसकी जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 65 ईयर्स है। तो हम सिंपली कह सकते हैं तो कि लाइफ स्पैन जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइज पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन दी है, जैसे एलिफेंट 65 ईयर्स, डॉग 14-15 ईयर्स, बटरफ्लाई 1-2 वीक्स, क्रो 15 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, काउ 20-25 ईयर्स, हॉर्स 60 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 30 डेज, टॉर्टोइस 150-200 ईयर्स, रोज 5-7 ईयर्स, बनाना ट्री 25 ईयर्स, राइस प्लांट 3-4 मंथ एंड बेनियन ट्री 200 ईयर्स। तो अगर हम बात करें ह्यूमन बींग की लाइफ स्पैन की, तो ह्यूमन बींग की लाइफ स्पैन चेंज होती गई है टाइम टू टाइम। जैसे
एक जापानीज था, सुरेंशियो इजाइमी। 1986 में उसकी डेथ हुई थी और उसने अपने लाइफ के पूरे 120 ईयर्स और 237 डेज कंप्लीट किए थे और न्यूमोनिया की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो इसी को देखते हुए उस टाइम पे जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पेन थी 121 ईयर्स मानी गई, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग का हैबिटेट चेंज होता गया उसको देखते हुए अब प्रेजेंट में 50 to 60 ईयर्स ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पेन है। तो ये तो टर्म है जो एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है और ना ही बेसिकली बोर्ड में पूछे जाते हैं, लेकिन ये होते क्या है ये मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। तो मैक्सिमम लाइफ स्पेन है मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स सर्वाइव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ स्पीशीज। दूसरा है एवरेज लाइफ स्पेन। एवरेज लाइफ स्पेन क्या है? तो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स सर्वाइव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो ये इनकी सिंपली डेफिनेशन है। अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन की स्टेजेस, यानी कि लाइफ स्पेन होता क्या ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन अब लाइफ स्पेन को कितने स्टेजेस यानी कि कितने फेजेस में डिवाइड किया गया। तो इसका पहला है जुविनेलिटी फेज। ये होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द पीरियड फ्रॉम बर्थ अप टू द स्टेज व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डेवलप्स द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस इज नोन एज जुविनेलिटी फेज। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेके जब तक उसके रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप ना हो जाए अच्छे से, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो अच्छे से डेवलप ना हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं, उसी फेज को हम बोलते हैं जुविनेलिटी फेज। अब अगला आता है मैच्योरिटी फेज। मैच्योरिटी फेज क्या होता है? जुविनेलिटी फेज के जस्ट बाद में आता है, और इसमें क्या, जब तक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो तब जब तक बनी रहे उस फेज को, उस पीरियड को हम बोलते हैं मैच्योरिटी फेज। अब आते हैं हम तीसरा एजिंग, एजिंग। एजिंग क्या है? अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जनरली लाइफ टाइम रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, यानी कि वो एक टाइम पे आके जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके वो अच्छे से वर्क करने बंद कर देते हैं और रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बंद हो जाती है, उस पीरियड को हम बोलेंगे एजिंग। अब लास्ट है फोर्थ, डेथ। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो एक टाइम पे आके हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है और यहीं पर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पेन है वो भी फिनिश हो जाती है। तो ये है पूरी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन पूरी, जो जुविनेलिटी से शुरू होती है और डेथ पे आके फिनिश हो जाती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन होता क्या है? हमारे चैप्टर का पहला ही वर्ड है रिप्रोडक्शन, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू देयर यंग वंस और ऑफस्प्रिंग विच इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं अपने पेरेंट्स से वो अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं। यानी कि क्या मतलब है कहने का, जो सेम स्पीशीज है वो अपने ही स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करेगी, किसी और की स्पीशीज को नहीं करेगी। एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने कभी देखा है एलिफेंट बत्तख के बच्चे को रिप्रोड्यूस कर रहा है? नहीं, जो एलिफेंट है वो बत्तख के बच्चे को नहीं करेगा, एलिफेंट को ही, बेबी एलिफेंट को ही रिप्रोड्यूस करेगा। अब हमें ये तो पता चल गया रिप्रोडक्शन होता क्या है, लेकिन ये जरूरी क्यों है? तो हमारे अर्थ पे हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक,
और माइक्रो साइज से लेके मैक्रो साइज तक, लेकिन ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जब इनकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती है तो इनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा किसी भी स्पीशीज का तो वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक सेंटेंस बोला था, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, यानी कि जीवन ही जीवन से आया है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हर ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोड्यूस करने का मोड है वो अलग अलग होता है। तो उसी को देखते हुए रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी आगे डिवाइड किया है, जैसे कि फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, और रीजनरेशन। अब ये होते क्या है इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल वैरी करते हैं, यानी कि उनका जो मोड ऑफ रिप्रोड्यूस करने का प्रोसेस है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। तो इसीलिए सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ डिफरेंशिएशन है जिससे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इट इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ सिंगल पेरेंट, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट का पार्टिसिपेशन होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जो होगी वो रिप्रोड्यूस हो जाती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक होगा मेल और एक फीमेल। दूसरा है पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकर्स विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, यानी कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पेरेंट में बिल्कुल भी उसकी नीड नहीं होती है। सेक्स ऑर्गन जैसे कि मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, और जबकि फीमेल में है ओवेरीज, जो कि मेल और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि गैमेट्स की वजह से ही जो आगे का फर्टिलाइजेशन और आगे के प्रोसेस होते हैं वो होते हैं। तो गैमेट्स सेक्स ऑर्गन के अंदर ही बनते हैं। अब तीसरा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो गैमेट्स इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जब सेक्स ऑर्गन ही नहीं होंगे तो गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, क्योंकि सेक्स ऑर्गन के अंदर ही जो गैमेट्स होते हैं वो बनते हैं। अब जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जब सेक्स ऑर्गन बनेंगे तो उनमें गैमेट भी बनेंगे, तो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगला है चौथा पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फर्टिलाइजेशन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब गैमेट्स ही नहीं बनेंगे तो उनका फ्यूजन कैसे होगा, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की नीड नहीं होगी। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन होता है। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन है क्या, मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूज होते हैं दोनों तो जायगोट फॉर्म होता है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अगला पॉइंट आते हैं हम फिफ्थ पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो जायगोट फॉर्मेशन, यानी कि जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब गैमेट्स ही नहीं होंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। जायगोट जो होता है वो सिंगल सेल होती है, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो उससे डिप्लॉयड जायगोट बनता है। अगला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गैमेट का तो उससे जायगोट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो मियोसिस। मियोसिस एक्चुअली है क्या, मियोसिस एक सेल डिवीजन है जिसमें हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं और जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस सेल डिवीजन से ही होता है। तो जब गैमेट्स ही नहीं बनेंगे तो मियोसिस का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है जिसकी वजह से गैमेट्स बनते हैं। अब अगला है सेवन्थ पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्विक प्रोसेस है, यानी कि इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, सिंपल ऑर्गेनिज्म में मोस्टली होता है तो ये जल्दी हो जाता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं,
बहुत सारे इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसी वजह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होते कैसे हैं। तो यहाँ पर ये है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल डिफ्रेंशिएशन। अब हम जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा और डीपली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही पेरेंट से होता है और बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, इसीलिए हम इसको अगैमोजेनेसिस भी बोलते हैं। अगैमोजेनेसिस। अब क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमेट्स के फॉर्मेशन के बिना होता है, यानी कि गैमेटिक सेल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी कि सोमेटिक सेल्स में होता है। तो इसको हम सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है अब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेलुलर में, हर यूनिसेलुलर में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है सिंगल पेरेंट से भी वो अलग अलग होता है। तो इसी को देखते हुए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी आगे फर्दर डिवाइड किया है। जैसे पहला है फिजन, दूसरा है बडिंग, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन। अब पहला है फिजन। तो फिजन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ टू और मोर देन टू डॉटर सेल फ्रॉम सिंगल पेरेंट इज नोन एज फिजन। यानी कि दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल का रिप्रोड्यूस होना, उसे हम बोलते हैं फिजन। सिंपल इसमें होता क्या है, जो भी सेल होगी उसमें क्लीवेज होगा और उससे दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स बनती हैं। तो फिजन को फर्दर सब डिवाइड किया है, पहला है मल्टीपल फिजन और दूसरा है बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है? मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट सेल से दो से ज्यादा डॉटर सेल बनती हैं। होता कैसे है ये आपको मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अगला है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होगा, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनती हैं, जैसे कि अमीबा के अंदर होता है। तो बाइनरी फिजन को भी आगे और सब डिवाइड किया है। जैसे पहला है सिंपल बाइनरी फिजन, इसको हम इरेगुलर बाइनरी फिजन भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी प्लेन से कट होता है, यानी क्लीवेज होता है और उससे दो डॉटर सेल बनती है, उसको हम बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन या फिर इरेगुलर बाइनरी फिजन। दूसरा आता है लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका लॉन्गिट्यूडनली यानी कि वर्टिकली क्लीवेज होगा और दो डॉटर सेल बनती हैं, जैसे कि युग्लिना में होता है। तीसरा है ऑब्लिक, इसमें क्या होगा, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका किसी भी एंगल पे ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा, उसे हम बोलते हैं ऑब्लिक, जैसे कि सिरेटेनियम में होता है। और आखिरी और चौथा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में क्या होगा, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा, जैसे कि पैरामीशियम में होता है। अब हम बात करते हैं बडिंग। बडिंग में क्या होगा, कोई भी जो पेरेंट सेल होगा उसमें बड फॉर्म हो जाएगी और जब वो बड मैच्योर हो जाएगी तो वो क्लीव हो जाएगी अपने पेरेंट सेल से और अपना अलग लाइफ स्पैन शुरू कर देती है। तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और माइटोसिस डिवीजन के थ्रू ये सब होता है। लेकिन कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, जो बड बनेगी मैच्योर होने के बाद इससे डीअटैच ना होकर यहाँ पर ही अपनी कॉलोनी फॉर्म कर लेती है, जैसे कि ओबेलिया में होता है। एक और एग्जांपल है बडिंग का, स्पंज जिसमें इंटरनल बडिंग होती है, जिसे हम गैम्यूल बोलते हैं। अब आते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, जो कोई भी यूनिसेलुलर पेरेंट सेल होती है अगर कहीं से कट लग जाए तो क्या होगा, ये अपने नीचे का पोर्शन डेवलप कर लेगा और ये अपना ऊपर का पोर्शन डेवलप कर लेगा, तो दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं।
फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे कि पहला है बाइनरी फिशन जो कि अमीबा में होता है। तो अमीबा का कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर होता नहीं है, किसी भी शेप में होता है, यूनिसेल्युलर है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है अमीबा की, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें सिंपल माइटोसिस प्रोसेस होगी सेल डिवीजन में, यानी कि पहले जो न्यूक्लियस है वो बीच में से क्लीव होंगे, यानी कि बीच में से इनका डिवीजन होगा। फिर उसके बाद जब न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा अमीबा का उसमें डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। और जब कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा तो एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब दूसरा देखें हम मल्टीपल फिशन जो कि प्लाज्मोडियम में होता है, तो इसमें क्या होगा, ये जो ग्रीन लेयर आपको दिख रही है इसको हम सिस्ट बोलते हैं। तो सिस्ट के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। तो इसमें सिंपल अमीटोसिस मेथड होता है। अमीटोसिस मेथड में क्या होगा कि सिंपल क्लीवेज होता है, माइटोसिस प्रोसेस नहीं होती, यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा एक, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो उसके आसपास साइटोप्लाज्म गैदर होना शुरू हो जाएगा और ये सब प्रोसेस एक सिस्ट के अंदर होता है। ये हार्ड कवरिंग होती है जिसमें ये प्रोटेक्ट रहते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी प्लाज्मोडियम को तो ये यहाँ से बर्स्ट आउट हो जाएगी इसके सिस्ट और यहाँ से ये सारे रैप्चर हो जाएंगे। तो ऐसे ही मल्टीपल फिशन अमीबा के अंदर भी होता है, सेम ऐसे ही है। बस उसमें क्या होता है कि जो सूडोपोडिया होते हैं अमीबा के, सूडोपोडिया वो तीन लेयर बना लेते हैं। तीन लेयर से मतलब जो सूडोपोडिया है वो तीन लेयर बना लेंगे, उसके अंदर न्यूक्लियस का सेम ऐसे ही डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म गैदर होगा, जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो रिलीज आउट हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बडिंग की। बडिंग में क्या होता है, जो हाइड्रा होता है उसमें एक बर्ड फॉर्म होती है पहले, फिर जब बर्ड फॉर्म हो जाएगी तो वो मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। जब कंप्लीट उसका मैच्योर हो जाएगा तो वो अपने पेरेंट सेल से अलग रिलीज आउट हो जाएगी और अपनी अलग लाइफ साइकिल शुरू कर देगी। तो यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे इसके, जैसे कि यूनिपेरेंटल है, सिंपल मेथड है, जल्दी हो जाता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है नो वेरिएशन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बदलाव बिल्कुल भी नहीं होंगे। जो उसके पेरेंट जैसा होगा वैसे ही उनके ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होंगे। तो वेरिएशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली इवोल्यूशन भी नहीं होगा। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो सिंगल पेरेंट के ही क्रोमोसोम ट्रांसफर होंगे उसके ऑफस्प्रिंग में। तो जितनी भी हेरिडिटी होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पेरेंट में वो एज इट इज ऐसे ही ट्रांसफर हो जाएगी उसके ऑफस्प्रिंग में। तो इसीलिए कोई इवोल्यूशन या कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। तो यहाँ वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है नेम द इंटरनल बर्ड ऑफ स्पंज, यानी कि स्पंज में जो इंटरनल बर्ड होता है बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम, तो उसका क्या नाम है। दूसरा है डू यू फाइंड रिलेशन बिटवीन साइज एंड लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन और साइज का कोई रिलेशन है। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शो सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन, यानी कि इन तीनों में से कौन सा ऑर्गेनिज्म सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन शो करता है। पहला पैरामीशियम, दूसरा हाइड्रा, तीसरा अमीबा या फिर चौथा ऑप्शन तीनों। फोर्थ वन इज द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज मार्क्स द बिगनिंग ऑफ, पहला एजिंग या फिर रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि जुवेनाइल फेज जब खत्म होता है तो उसके बाद कौन सा फेज शुरू होता है, एजिंग या फिर दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये थी आज की वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग।